नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों आज आपको हम बोर्ड बनाना सिखाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें टू पिन सॉकेट और आपका एक इंडिकेटर और एक स्विच। इस स्विच से हम इन सभी सॉकेटों को करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस बटन से हम सभी सॉकेट को करेंगे दोस्तों। इसको भी। चलिए दोस्तों फटाफट, बाकी तो ये हमने कस लिए हैं और बाकी आपके तीन सॉकेट बचे हैं, इनको भी हम पेज लगा कर कस देते हैं फटाफट। तब तक दोस्तों आप जाकर फटाक से नीचे देखिए सौरभ इलेक्ट्रिकल से लिखा है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे हम जैसे ही अगला वीडियो ये डालेंगे, ये तो चलो अभी डाल ही देंगे, और जो अगला वीडियो डालेंगे दोस्तों वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों तब तक हम पेज कस लेते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक हम इनको फटाफट पेज को कस लेते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों नीचे लिखा है सौरभ इलेक्ट्रिकल्स, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो एक बेल आइकन बन के आएगी, उस बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए ये नाम लिखा है, ठीक, ये देखिए कंपनी का नाम लिखा है, तो वो नाम आपका ऊपर रहेगा, इस तरीके से आप ऊपर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका ये इंडिकेटर है और आपका ये 6 एम्पियर स्विच है, आपका ये 6 एम्पियर टू पिन सॉकेट, ये भी 6 एम्पियर टू पिन सॉकेट, ये सब सॉकेट। चलिए दोस्तों इसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसमें वायरिंग की जाएगी। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों इसको जब हम इस तरीके से पलटा लेंगे तो ये इंडिकेटर आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप याद रखें, इसमें कोई भूलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये आप देखिए इस जगह पर आप लाल लाल लगा है, तो ये आपका इंडिकेटर का, ये आपका स्विच है और ये आपके सॉकेट हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप देखिए, ये आपका स्विच का नीचे वाला हिस्सा ये है दोस्तों। ये देखिए आप इस तरीके से आराम से देखिए, ये आपका लिखा हुआ है, ये लिखा वाला आपका ऊपर रहेगा, इसको आप आराम से इस तरीके से ऐसे पलटा लें दोस्तों, इसका नीचे वाला ये। चलिए दोस्तों आप देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों ये देखिए मैंने तार के छोटे छोटे से टुकड़े ये काट के रख लिए हैं, इसलिए काट लिए दोस्तों कि अगर हम वीडियो में काटेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपको इसमें बताते हैं वायरिंग कैसे की जाएगी दोस्तों। इस तरफ से हम चालू करेंगे दोस्तों, इस तरफ से, ठीक है दोस्तों। और हम दो टुकड़े लेंगे इस तरीके से, तार के दो टुकड़े लेंगे और इस तरफ से वायरिंग चालू करेंगे, इनको दोनों को ऐसे रख कर हम इस तरीके से मोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। एक को हम दोस्तों इसमें लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने लगा दिया और इसको अच्छे से कस देंगे, ठीक है दोस्तों, इसको आराम से कस दिया, ये देखिए आप। इसके बाद इसको हम इसमें लगाएंगे दोस्तों, इस तरीके से इसमें लगाएंगे दोस्तों, इस तरीके से, इसी के नीचे वाले में दूसरे सॉकेट के एक टर्मिनल पर हम इसको यहाँ पर कस देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक तार को फिर हम इसी तरीके से इसमें टच करेंगे और इसको आराम से इस तरीके से हम मोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको भी इस वाले सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पर इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, इस तरीके से लगा लिया दोस्तों। बहुत सरल है दोस्तों बोर्ड बनाना दोस्तों, बहुत सरल है दोस्तों। जो नहीं जानता उसको कठिन लगता है दोस्तों। फिर हम देखिए दोस्तों एक तार का टुकड़ा लेंगे और इसको इसी तरीके से फिर से हम इनको दोनों को आपस में जोड़ के और ये नीचे वाले टर्मिनल पर इसमें भी हम इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से देखिए दोस्तों, और इसको भी हम कस लेंगे दोस्तों। ये जो सॉकेट है इनके हमने पेंच पहले से ही खोल के रखे हैं, इसलिए कि वीडियो में खोलेंगे तो टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, और हम ये नहीं चाहते हैं कि अधिक लंबे वीडियो में आपको हम ये जानकारी दें, छोटे से वीडियो में कम समय में आपको जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों, इसलिए आप चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगला वीडियो आपके पास तुरंत आ जाएगा, जैसे हम डालेंगे वीडियो तो तुरंत आपके पास वीडियो आ जाएगा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों आप इसको भी हम नीचे वाले टर्मिनल पर इस तरीके से लगा देंगे दोस्तों, इस तरीके से देखिए इसको भी हमने यहाँ पर लगा दिया दोस्तों, इसको दोस्तों देखिए, इसको भी हम सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पर इस तरीके से इसमें यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए दोस्तों अब आप फिर से देख लीजिए, एक को यहाँ पर हमने लगाया तार को, इसके बाद इसको लाकर इसमें लगाया, इससे लाकर इसमें लगाया, इससे लाकर इसमें लगाया, इससे लाकर इसमें लगाया, इससे लाकर इसमें लगाया। अब ये सॉकेट हो गए दोस्तों, अब आपकी स्विच बची तो हम इसको यहाँ पर रोक लेते हैं। चलिए दोस्तों इस वाले में हम आपको तार का कनेक्शन करके ऊपर वाले में बताते हैं दोस्तों,
इसके लिए चलिए दोस्तों हमने अलग तार के टुकड़े लिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। हालांकि इसमें कोई भी कलर के हम डाल सकते हैं, मगर आपको अलग कलर के लेंगे तो उससे आपको और आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको भी हमने दो तार को आपस में मोड़ लिया है। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। एक तार को हम इस तरीके से इस वाले टर्मिनल पर, नीचे वाले पर जो इसका बचा है, इस पर लगाकर इस तरीके से कस देंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर कस दिया। अब दोस्तों आइए इस पर हम इस वाले सॉकेट में, इसमें भी इसी तरीके से लगा लेंगे। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसमें भी हमने इसको कस दिया अच्छे से, इसमें भी कस दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक टुकड़ा तार कर लेंगे, उसको भी इसी में जोड़ लेंगे और इसको हम आगे इसी में जोड़ के बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से इस सॉकेट में डाल लिया, अच्छे से इसको जोड़कर इस तरीके से मोड़ के, आप अच्छे से मोड़ के इस सॉकेट वाले एक नीचे वाले टर्मिनल पर इस तरीके से लगा देंगे। दोस्तों इस तरीके से लगा दिया दोस्तों, ये देखिए आप इस तरीके से लगा दिया दोस्तों। इसके बाद एक तार का टुकड़ा और लेंगे तो उसको हम आगे वाले पर सॉकेट पर बढ़ा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों सभी में जोड़ते चले जाएंगे। चाहे दोस्तों चाहे जितने आपके सॉकेट लगे हों, टू पिन सॉकेट हों, आप इसी तरीके से इसमें तो दोस्तों तीन तीन ये छह सॉकेट लगे हैं, चाहे 20 सॉकेट लगे हों, चाहे 25 सॉकेट लगे हों, चाहे जितने सॉकेट हों दोस्तों, इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे इससे करके इस तरीके से, और इसमें आप इस तरीके से ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप ये देखिए, इसको भी हमने इसी में आगे बढ़ाकर ऐसे करके जोड़ लिया है और इसको भी यहीं पर हम कनेक्शन दे देंगे इस तरीके से इस सॉकेट में। अब आपका देखिए लास्ट वाला बचा है दोस्तों, इसको भी दोस्तों इसी जगह पर हम इसको कनेक्शन दे देंगे दोस्तों, अच्छे से इसको भी कस दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, एक ये इसको भी हमने तार का टुकड़ा इसमें जोड़ लिया और हम इसके बाद इसमें हम अच्छे से कनेक्शन दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी बढ़ाकर हमने बढ़ाने के बाद, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसके बाद अब ये सॉकेट का काम दोस्तों ख़त्म हो गया। ये एक सॉकेट ये हुआ, इससे लेकर हम इसमें लाए, इससे लेकर इसमें लाए, इससे लेकर इसमें लाए, इससे लेकर इसमें लाए, इससे लेकर इसमें लाए। अब इसके बाद सॉकेट आगे तो है नहीं, ये तो आपके स्विच लगी है। और दोस्तों इसको देखिए इस तरीके से इसे बढ़ाकर लाए हम। ठीक है दोस्तों, अब इस जगह पर हम दोनों को छोड़ देंगे दोस्तों। अब ये आपके स्विच है दोस्तों, उसके बाद ये आपका इंडिकेटर है जो आपका जलेगा। तो ये वाला दोस्तों जो है आपका न्यूट्रल है, ये देखिए आप, इसमें भी हमने कनेक्शन दे दिया दोस्तों। अब आप ये देखिए दोस्तों, आपका ये वाला न्यूट्रल है, इसको आप लाकर, ये अब आपके, ये आपकी स्विच बची दोस्तों, ये आपकी स्विच बची। तो स्विच में नीचे वाले में जो हम अभी इस बोर्ड में लाइन देंगे तो उसका नीचे वाला फेस इसमें लगेगा, इस वाले को आप इसमें जोड़ दें ऊपर वाले में दोस्तों, ऊपर वाले में, इसको ऊपर वाले में। ये आप स्विच को देख लें दोस्तों, ऐसे करके आराम से इस तरीके से आराम से इसको पलट के देख लें दोस्तों। ये देखिए निशान लगा, ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा। तो आप देखिए हमने इस जगह पे देखिए ऊपर वाले में ही, ऊपर वाले में ही इस वाले के सॉकेट का कनेक्शन जाके इसमें दिया है ऊपर वाले में। नीचे वाले में जो लाइन आती है उसको नीचे वाले में कनेक्शन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको इसमें लाइन लेकर दिखा देते हैं कि लाइन भी आपको डाल के दिखा रहे हैं दोस्तों। तो आप देखिए इसको लाइन में लेने के लिए हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा इस जगह पर हम थोड़ा सा कट मार लेंगे इस तरीके से, जो हमारे इसमें दो तार ये आराम से इस तरीके से चले जाएँ दोस्तों। ठीक है, और तार तो चलो हम अभी निकाल लेंगे दोस्तों। आप इसमें देखिए वायरिंग देखिए आप, इसके बाद देखिए ये हमने छोटा सा दोस्तों तार का टुकड़ा लिया है, इसलिए लिया कि अभी आपको यहीं पर चेक करके दिखाएंगे, बड़ा तार होगा तो हम उसको यहाँ पर रख नहीं पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आपको हम कनेक्शन देकर दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो हम ये दो तार लिए हैं बोर्ड में लाने के लिए लाइन, उसमें हम एक टुकड़े में इतना बड़ा ये जोड़ लेंगे तार, उसको हम ये देखिए, ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस दोनों तार आते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, इसी इंडिकेटर में दोनों तार हमने लगा दिए। ठीक है दोस्तों, और एक तार देखिए आपका ये इसी का बचा हुआ दो तार, तो इसको भी हम इसको भी इसी में लगाएंगे, इंडिकेटर में ही लगाएंगे दोस्तों, इंडिकेटर में, इसको भी हम इंडिकेटर में लगाएंगे दोस्तों। तो अब ये तो सिंगल तार है, इसके साथ इससे हम इसको भी न्यूट्रल देंगे, तो इसको हम इसी में जोड़ के इंडिकेटर में आराम से लगा लेंगे दोस्तों। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर में इसको हम अच्छे से कस देंगे दोस्तों। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से
कस दिया इंडिकेटर में, ये देखिए दोस्तों इसको अच्छे से कस दिया। अब आप ये देखिए दोस्तों, ये आपका टुकड़ा एक निकला है जो कि आपके स्विच के नीचे वाले पॉइंट में ये जाएगा। ये देखिए आप, ये नीचे वाले में आपका ये जाएगा दोस्तों, ये देखिए आपका चला गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, ये देखिए आप, ये दोनों तार आपके हो गए, ये दोनों तार आपके हो गए, वो तार हैं ये जो इस बोर्ड में लाइट देंगे, इस बोर्ड में करंट देंगे। जैसे ही लाइट चालू होगी तो ये इंडिकेटर आपको जलने लगेगा। उसके बाद आप ये सीधा सीधा देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भूलने का नहीं दोस्तों, कुछ भी भूलने का नहीं। यहाँ से आप वायरिंग चालू करें, यहाँ से लाते हुए इस पे लें, इस पे लें, इसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे, यहाँ पर आप लाकर इसको रोक दें, सॉकेट यहाँ से खत्म हो गए आपके। इसके बाद इसको यहाँ चालू करें, इसको यहाँ चालू करें, यहाँ ला कर रोक दें। अब ये दोस्तों एक तार जो है आपका, ये बटन इस बटन के ऊपर वाले पर ही लगेगा, टर्मिनल पर, जिस बटन से हम जिस सॉकेट को या जिस बल्ब को करते हैं तो इसके बटन के ऊपर वाले पर पॉइंट पर ही इसको लगाते हैं। और इस पे नीचे वाले दोस्तों फेस लगता है हमारा इस पे, तो ये हमने लगा दिया फेस का तार हमारा, ये इंडिकेटर से फेस इसमें आया। और ये आपका न्यूट्रल का तार है, तो न्यूट्रल का तार इस पे न्यूट्रल का लाए आपके इंडिकेटर पर, और इंडिकेटर से इसको सॉकेट पर दे दिया। दोस्तों आपका ये बनकर बोर्ड तैयार हो गया दोस्तों, बिल्कुल बोर्ड आपका ये बन के तैयार हो गया। अब चलिए दोस्तों आपको हम ये बोर्ड को हम दिखाते हैं दोस्तों, इसमें हम लाइट देते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको हम अभी ये इंडिकेटर जलाकर दोस्तों दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप, ये देखिए, चलिए दोस्तों अब हम इस बोर्ड में लाइट देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने इस प्लग को लगा दिया दोस्तों, ये जो तार आपके ये गए, ये जो तार गए दोस्तों, ये जो गए इसमें हमने लगा दिया दोस्तों। आप देखिए आपका ये, आपका इस स्विच से आपके ये चालू हो गए दोस्तों। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, सब में दोस्तों सब में जलेगा। ये देखिए आप सब में, ये टेस्टर में देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप सभी के देखिए आप, सभी के सॉकेट में दोस्तों लाइट आ रही है। ये देखिए आप, ये देखिए। चलिए दोस्तों अब हम आपको चेक कराते हैं, ये देखिए आपका ये चार्जर है, इस चार्जर में यहाँ पे हरी हरी लाइट जलेगी। ये देखिए दोस्तों लाइट जलने लगी दोस्तों, ये आपका सॉकेट चालू है। इसके बाद दोस्तों इस पर देखिए, दूसरे वाले पर, ये देखिए लाइट इसकी बंद हो गई। अभी हम इसको निकालें और हम दूसरे वाले पर लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी आपका सॉकेट चालू है, ये भी आपका सॉकेट चालू। इसके बाद आप देखिए, आपको तीसरे पर दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये भी आपका चालू है। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप चलिए आपको आगे दिखाते हैं दोस्तों, ये लाइट बंद हो गई। अब आप ये देखिए, आपका ये भी सॉकेट चालू है। उसके बाद ये रुकिए दोस्तों, आपको आगे भी ले चलते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये देखिए, ये भी देखिए दोस्तों सॉकेट चालू है। और आपका ये लास्ट वाला, ये भी देखिए आप, ये भी देखिए, ये भी चालू आपका जल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए, हम ये देखिए आप, ये चालू है और हमने ये स्विच बंद कर दी दोस्तों, स्विच बंद कर दी दोस्तों। ये देखिए आपके अब सब बंद हो गए, दो सब बंद हो गए दोस्तों। ये देखिए आप, सब बंद हो गए दोस्तों, आपके एक स्विच से ये छह सॉकेट आपके हमने किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नीचे लिखा है सौरभ इलेक्ट्रिकल्स, उस पर आप टच करेंगे, बगल में आपके बेल आइकन बन के आएगी, उसको भी आप टच कर लें दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और नया नया सीखते रहिए।